हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक होगा, आज हम मोडल वर्ब का शुड पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कैन कुड मे माइट मेरी पुरानी वीडियोस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये हमारी मोडल वीडियो का पार्ट थर्ड है जिसमें हम आज शुड पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहचान के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो शुड को आप पहचानोगे कैसे? जैसे कैन कुड को हम सकता है से पहचानते थे, मे माइट को भी हम सकता है, सकता था, इन सब चीजों से पहचानते थे। शुड को हम कैसे पहचानेंगे? इसके जो लास्ट में है वाक्य के अंत में क्या आता है? यहाँ पर चाहिए आता है। क्या आता है? चाहिए। मैं पूरी डेफिनेशन लिख देता हूँ। यदि वाक्य के अंत में चाहिए का प्रयोग हो तो वहां पर शुड का यूज करना है, बट कंडीशंस है, वो कंडीशंस हम नीचे पढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था यहाँ पर पहचान मैटर नहीं करती, क्योंकि ज्यादातर मोडल वर्ब्स की जो पहचान होती है वो सेम होती है। इसलिए हमें आपको यूजेस पे ध्यान रखना है। तो यूज नंबर वन, पहला यूज पढ़ते हैं। पहला यूज है हमारा जो जिसके लिए शुड हमारा यूज होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। शुड को हम यूज करते हैं एडवाइस के लिए। तो हम एडवाइस के लिए यूज करते हैं, मतलब सलाह देने के लिए। सलाह देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अगर आपको रूल के हिसाब से सीखना है तो देखो रूल कैसे बनाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। सब्जेक्ट, फिर हमेशा सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं? कोई भी हेल्पिंग वर्ड। अभी शुड यूज कर रहे हैं तो शुड लगा दिया, वी वर्ब लगा दिया और ऑब्जेक्ट लगा दिया, तब सेंटेंस बनाते हैं। मैंने आपको सिखाया सबसे पहले शुड का जो हमारा यूज है वो किसके लिए यूज होता है? एडवाइस देने के लिए। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एडवाइस दे रहे हैं, जैसे तुम्हें, पहला सेंटेंस लेते हैं, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें जल्दी उठना, तुम्हें जल्दी उठना चाहिए। तो इसका सेंटेंस बना लेते हैं। तो मैं सलाह दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं किसी को, तो मैंने यूज करा यू शुड। उठना क्या होता है? गेट अप अर्ली। यू शुड गेट अप अर्ली। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, एक और सेंटेंस है हमारा, उसे फल और सब्जी खानी चाहिए। तो ये भी मैं एडवाइस दे रहा हूं, उसे फल और सब्जी खानी चाहिए। तो इसको भी बना लेते हैं, ही शुड ईट, ही शुड ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत इजी है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ इजी है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाओगे आपको सब समझ में आता जाएगा। तो अभी हमने देखा शुड का हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं? एडवाइस देने के लिए। पहला आपको समझ में आया, सो अब हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं कि शुड का अगर हमें दूसरी जगह यूज करना हो तो हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो लेट्स सी, तो शुड का जो दूसरा यूज है, शुड को हमें यूज करना चाहिए ऑब्लिगेशन के लिए। ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य के लिए, जो भी हमारा कर्तव्य होता है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। तो हमने पहला सीखा एडवाइस के लिए,
दूसरा हमने सीखा ऑब्लिगेशन के लिए, मतलब जब हम कोई कर्तव्य होता है। एक सेंटेंस ले लेते हैं, पहला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे यू शुड वॉक टू वर्क। यू शुड, जैसे तुम्हें काम के लिए जाना चाहिए, यू शुड वॉक टू वर्क, पहला सेंटेंस हो गया। जैसे एक और ले लेते हैं, यू शुड सेव, यू शुड सेव सम मनी, तुम्हें कुछ पैसे बचाने चाहिए। जैसे तुम्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें खाना बनाना चाहिए, तो जो चीजें तुम्हें पढ़ना चाहिए, ऐसी चीजों के लिए हम शुड को यूज कर सकते हैं। जैसे यू शुड स्टडी, यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम। तो ये कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। एक और ले लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए, अच्छे से समझ में आए। तो यू शुड डू मोर एक्सरसाइज, तो इसको भी हम ले सकते हैं। सो अभी तक हमने सीखा शुड का हम यूज कर सकते हैं एडवाइस देने के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए, कर्तव्य के लिए। लास्ट यूज कर लेते हैं शुड का, शुड को हम कहाँ यूज करते हैं। सो शुड को हम यूज कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, मतलब हम किसी से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, मतलब किसी चीज की संभावना है, मतलब हम प्रोबेबिलिटी या तो एक्सपेक्टेशन भी बोल सकते हैं हम इसे। मतलब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है, मतलब संभावना है या एक्सपेक्टेशन है, मतलब हमें एक्सपेक्टेशन है कि यार कुछ हो सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे एक पेरिस की टिकट जो होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट करती है, तो इस चीज को हम कैसे लिखेंगे। अ टिकट टू पेरिस, मतलब अगर हमें पेरिस जाना तो उसकी टिकट जो होती है ज्यादा कॉस्टली है। अ टिकट टू पेरिस शुड कॉस्ट अ लॉट, तो जो भी एक्सपेक्टेशन होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसके लिए हम इसको ऐसे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। और सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कि दिस शुड नॉट बी राम हाउस, दिस शुड नॉट बी राम हाउस, ये राम का घर नहीं होना चाहिए था, तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे, हमने सीखा, हमने तीन यूजेस क्या क्या सीखे। वन बाय वन हमने देखा कि सबसे पहला हमने देखा भाई शुड जो हमारा होता है एडवाइस के लिए यूज हुआ था, सिंपल शुड को हमने, फिर उसके बाद ऑब्लिगेशन के लिए यूज करा, फिर हमने लास्टली हमने प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करा। शुड को हमने किसके लिए यूज करा, प्रोबेबिलिटी के लिए या तो एक्सपेक्टेशन के लिए। ये हम रिकैप कर रहे हैं कि हमने क्या क्या सीखा। बहुत इजी है शुड का यूज करना, और साथ में आप चाहो तो थिंकिंग के लिए भी शुड का यूज कर सकते हो, और इन सब चीजों के लिए हम शुड का यूज कर सकते हैं। सो वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ वर्कशीट दूंगा जिसको आप रिवीजन कर सकते हो, अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आ सकेगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्कूल के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।